जी हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है सभी के? कैसे हो सभी? ऑल गुड? अभी अच्छे हो? ये भी अच्छा है। एक मिनट रुकिएगा, भी अभी जानी थी। हाँ जी, सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है भाई। हाँ, पता नहीं क्यों आज हो रहा है। हाँ जी, कैसे हो सभी? ऑल गुड? जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दो। हाँ, सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है? बहुत 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 इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा बैकग्राउंड को इग्नोर करते हुए, ठीक है ना, क्वेश्चन को आगे करेंगे। और ये जो भी आपका एग्जाम है, ठीक है, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जी। तो जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दो। ये कुछ डिटेल हमारे बारे में, और ये सभी कंपटीशन है ना, 100 वर्ड्स करेंगे, ठीक है ना, जो कि हम हमेशा से कर रहे हैं, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वो कैब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एंटोनिम्स फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? एंटोनिम्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से जी। बिल्कुल अब देखो क्या है। एक मिनट, ये कुछ डिटेल मेरे बारे में। ये बैच है, इसको एनरोल कर सकते हैं। नया बैच 12th of January को ऑलरेडी स्टार्ट है, और बहुत ही अच्छा बैच जिसमें पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। कोर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है। टॉप एडुकेटर्स आपको मिलते हैं। पीडीएफ स्टडी मटेरियल है। अनलिमिटेड एक्सेस है। वीकली क्विज है। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है। सब कुछ मिल रहा है आपको ना, क्या है, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। हाँ, एक सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल रहा है। नहीं यार, क्या हो रहा है आज? हाँ, तो अभी अनअकैडमी का बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, ठीक है। 10+10 20% ऑफ मिल रहा है आपको फ्लैट। क्या मिल रहा है? 20% आपको फ्लैट मिल रहा है ऑफ जी। SAM10 कोड लगा दीजिए। पहले तो आपको 10% मिल रहा था ना इस कोड पे लगाने पे, अब क्या है, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो ना SAM10 कोड लगा के, ठीक है, तो आपको तुरंत 20% का इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। ये ऑफर कल तक है, ठीक है। और अगर आपको फ्री की क्लासेस लेनी है बहुत सारी, तो SAM10 कोड यूज़ कीजिए। रात के 9 बजे मेरी भी फ्री की क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। फिर क्या है, फिर SAM10 कोड यूज़ करते हो, देखो 3 फायदे हैं। बहुत सारे मॉक को आप एक्सेस कर सकते हो, और क्या है, SAM10 कोड यूज़ करने पे और क्या कर सकते हो, उसके बाद जो भी आपका अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है, जिसमें UPSC है, IIT है, नीट है ना, टेट PCS है, बैंकिंग है, SSC है, सब के लिए है ना, आपको क्या है, अभी 2 दिनों के लिए है ना, आज और कल 10+10 20% का आपको इंस्टेंट ऑफ मिल रहा है। तो यूज़ कीजिए SAM10, ठीक है। क्या यूज़ करोगे? SAM10। जैसे ही आप देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो प्लस है और ये क्या है, आइकॉनिक है, ठीक है। प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस बता दे रहा हूँ। प्लस में क्या है, आप बस लाइव क्लासेस देख सकते हो, ठीक है, वीकली टेस्ट दे सकते हो, स्ट्रक्चर कोर्सेज देख सकते हो, और अनलिमिटेड एक्सेस है। लेकिन जब आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो ये इन सब कोर्सेज के अलावा क्या है पता है, आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाता है, ठीक है। टेस्ट की एनालिसिस आपको एग्जाम एक्सपर्ट के द्वारा है ना, पर्सनल गाइडेंस बोले तो क्या, अगर आपको मान लो कोई प्रॉब्लम चल रही है एग्जाम रिलेटेड, तो आप किसी भी टॉप एडुकेटर से या अपने अच्छे जो आपको एडुकेटर पसंद है,
है ना, जो आपको लग रहा है कि आपको वो गाइड कर सकते हैं, तो आप उससे उनसे डायरेक्ट कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। टेस्ट की एनालिसिस, जो भी टेस्ट हो रहा है उसकी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जानी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। फिर क्या है उसके साथ साथ, क्या है एक्सपर्ट गाइडलाइन आपको मिलती है। ठीक है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टडी मटेरियल है जो कि आपको मिल जाना है, स्टडी प्लानर है, सब कुछ मिलना है आपको एक सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, यू विल गेट एवरीथिंग। तो और रेज हैंड की फैसिलिटी भी है, आप चाहे तो रेज हैंड भी कर सकते हैं। और अभी आज तो बहुत अच्छा है, आज आपका ओपन हाउस है, ओपन हाउस में आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम। ठीक है, हाँ, तो आपसे वहाँ बात भी हो जाएगी। और कॉम्बैट ये शायद ख़त्म हो गया है, चलिए फिर होगा फिर बताऊँगा आप। एंटोनिम्स फाइंड आउट करना, ये जो कॉम्बैट है बेसिकली ये हर संडे को ये ऑर्गेनाइज होता है बेसिकली। ठीक है ना, तो इस कॉम्बैट को भी आप दे सकते हो, उसमें भी आपको वाउचर वाउचर्स मिलते हैं। ठीक है, कोड लगा देना सैमटन। ठीक है, इसके लिए भी चलिए पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। हाँ जी, हेलो जी, चलो। कर्सरी है, फाइनल है, इम्पल्सिव है ना, थ्रू है और कस्टमरी है। एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव करके करेंगे। ठीक है, हाँ जी, चलिए आंसर बताएंगे आप लोग। सेशन को लाइक शेयर कर देना, ठीक, क्या करोगे सेशन को लाइक शेयर कर दोगे आप लोग सभी? जी सर, देखो क्या है कर्सरी का क्या है मतलब। ठीक है, कर्सरी का मतलब भी मैं आपको बता दूं। देखो कर्सरी एक बहुत प्यारा वर्ड है जिसका मतलब होता है जो सतही है उसको कहते हैं। ठीक है, फाइनल फाइनल है यानी क्या है, अंतिम है, इसके आगे कुछ नहीं होना है। ठीक है, इम्पल्सिव है यानी आवेगनशील है, इम्पल्स है ना। हाँ जी रजनीश कुमार साहब, ठीक है, कस्टमरी बहुत अच्छा, और थागत है तो क्या हो जाएगा, थ्रू हो जाएगा ना, यानी कंप्लीट पूरा। ठीक है, बड़ा अच्छा वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिप्रोड्यूस है, आपको क्या है एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है, प्रोक्रिएट, प्रोपगेट, एक्सटर्मिनेट और एडमोनिश। हाँ जी सुभाष चौकसी जी, आ जाइए। बताओ भाई बताओ। सभी आंसर करना, सभी आंसर करो। जल्दी, हाँ जी जय, आ जाओ, चलो बताओ क्या होगा। हेलो हेलो हेलो, रजनीश साहब, उपेंद्र जी जी धन्यवाद, उपेंद्र सिंह जी। चलिए प्रज्ञा व्यास जी, डी एडमोनिश। ठीक है, एसएससी 2007 में पूछा पूछा गया ये क्वेश्चन था, है ना। हाँ क्या हो गया फिर, ओके okay। इशिता डी तो ठीक ठाक काम कर रहा था भाई, इसको क्या हो गया। रिप्रोड्यूस है ना, सुनो सुनो, रिप्रोड्यूस है, काम नहीं कर रहा पता।
देखने दो अभी सही है। हाँ रिप्रोड्यूस है जी, बताइए क्या हो जाएगा। टी हो ठीक है, एडमोनिश। रिप्रोड्यूस मतलब होता है यानी किसी चीज को यानी फिर से यानी लेकर आना है ना, हाँ पुनः पेश करना। ठीक है सुनो मेरी बात। प्रोक्रिएट मतलब क्या होता है, प्रोक्रिएट है ना, प्रोक्रिएट मतलब होता है किसी चीज को पैदा करना। हाँ एक्सटर्मिनेट मतलब होता है किसी चीज का विनाश। ठीक है हाँ प्रोपगेट मतलब क्या होता है, प्रोपगेट है ना, प्रोपगेट मतलब होता है किसी चीज का प्रचार करना, प्रचार प्रसार करना। ठीक है और एडमोनिश मतलब होता है किसी चीज को धिक्कारना है ना। अब बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये होगा। हाँ जी आप लोगों ने लास्ट के 5 क्वेश्चन नहीं किए थे ना, याद है मेरे को। देखो पुनः पेश करना एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए। ठीक है प्रोपगेट है एक अच्छी बात है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, प्रचार है आपको कैसा भी प्रचार हो सकता है, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक ये पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पे दो वर्ड को आप एलिमिनेट कर सकते हो, प्रोपगेट को हटा दो और प्रोक्रिएट को हटा दो। ठीक है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आप इनको, रिप्रोड्यूस तो आपको पता है, प्रोक्रिएट भी आपको पता है, तो क्या एक्सटर्मिनेट को कर लो, किसी चीज का विनाश होना, खत्म होना। ठीक है एडमोनिश एक अच्छा वर्ड है और प्रोपगेट एक अच्छा वर्ड। ठीक है हाँ बहुत ही अच्छा वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जंबल करना किसी चीज को, मडल है, अरेंज है, जियो पैराडाइज है और सिक्योर है। एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है ना, क्या फाइंड आउट करना है आपको, एंटोनिम्स। चलिए बताइए क्या हो। हाँ सभी लोग आंसर करो। थैंक्स टू गॉड। हाँ प्राची बताओ। हाँ निगार बी बी। अच्छा सुनो मेरे, बहुत अच्छा। जंबल है पैरा, जंबल से आप इसको याद कर लो, पैरा है यानी पैराग्राफ है, जंबल है यानी यानी इधर उधर है, अव्यवस्थित है। सही बात है। हाँ हाँ जी प्रज्ञा जी ठीक है, यानी गड़बड़ी है, बेमेल है ना, गड़बड़ी है कुछ, अव्यवस्थित है, जंबल्ड है, ठीक है ना, अव्यवस्थित है यानी नेगेटिव वर्ड है। सही बात है, आपको एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। हमें मडल का मतलब नहीं पता है, मडल मतलब भी क्या होता है, गड़बड़ी है ना, मडल नेगेटिव वर्ड है, मडल भी पढ़ने से पता लगता है। जियो पैराडाइज मतलब होता है किसी चीज को जोखिम में डालना, खतरे में डालना। ठीक है हाँ सिक्योर यानी सुरक्षित, सिक्योर है सुरक्षित है। ठीक है अरेंज मतलब क्या होता है, व्यवस्थित। जितने भी नए लोग हैं सुनो मेरी बात, यानी देखो आप यहाँ पे ये बहुत अच्छा वर्ड है, आपने सबने अच्छा बोला है, व्यवस्थित है पॉजिटिव वर्ड, सुरक्षित है पॉजिटिव वर्ड है, जोखिम में डालना नेगेटिव वर्ड है। ठीक है तो इन नेगेटिव वर्ड को हटा दो, तो होगा क्या, अरेंज होगा क्या सर, नहीं होगा, अरेंज होगा सर बिल्कुल होगा। चलो 1 मिनट रुको, मैं नेटवर्क थोड़ा सा चेंज कर लूँ, 1 मिनट रुकिए। ठीक है क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये पूरा डिस्कार्ड ही हो गया। एसेटिज्म क्या है, एसेटिज्म कंफर्ट है जी। अभिषेक कुमार जी हेलो, आ जाइए आ जाइए, सभी आ जाइए, सबका स्वागत है बिल्कुल। क्या कुछ पूछा है किसी ने, किसी ने कुछ पूछा है, बिल्कुल पूछिए सर,
पता तो चले। हाँ, डिसऑर्डर केओस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब एंटोनिम्स फाइंड आउट कर लो। एंटोनिम्स लग्जरी, लग्जरी अच्छा, एसेट इज लग्जरी, ठीक है। और कोई सर, सभी बताओ। देखो यूट्यूब पे आपकी वोकैब इम्प्रूव हो सकती है, उसके बाद वहाँ पे प्रैक्टिस कर तो सही हो जाए। आज नए वर्ड्स आएंगे आपके लिए, याद रखिएगा, आज आपके लिए नए वर्ड्स आएंगे ये भी याद रख लेना। जी सर, हाँ जी, ज्योति वर्मा जी, हेलो। बताओ जी सभी। हाँ, ऊपर लिंक पिन है, उस पर ऐड हो जाना। देखो क्या है, एसेटिज्म है, बहुत अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब होता है क्या, संन्यास लेना किसी चीज़ से, यानी अब कुछ नहीं करोगे आप, है ना, वैराग्य हो गए हो, ठीक है, अब जिंदगी आपके लिए कुछ नहीं है, कंफर्ट है, आराम है ना। सेमिटिज्म मतलब होता है क्या, यहूदी विरोधी। यहूदी वाला देश कौन सा है, इसराइल है, आपको पता हो तो, है ना। ह्यूमिलिटी मतलब होता है क्या, विनम्रता। हाँ, और लग्जरी है यानी क्या है, शान शौकत है, तो क्या हो जाएगा, लग्जरी हो जाएगा। बिल्कुल, आपने सबने आंसर किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी ने आंसर किया है। नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा सा देख लेते हैं, आइए नेगेटिव पॉजिटिव को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है जी सर। नेगेटिव पॉजिटिव भी देखना जरूरी है। हाँ तो देखो क्या है, सुनना मेरी बात, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। देखो ये क्या है, नेगेटिव सर, संन्यास ले रहे हो, संन्यास ले लिया गलत बात है, नेगेटिव वर्ड है, यानी कोई मतलब नहीं है दीन दुनिया से। आराम पॉजिटिव वर्ड है, लग्जरी अच्छा वर्ड है ना, शान और शौकत है, विनम्रता एक अच्छा वर्ड है, और ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, हटाइए इसको। क्या हो जाएगा, लग्जरी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वाल्म है ना, ईज है, स्क्रपल है, मिसगिविंग्स है, और क्या है, सेरेनिटी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है सर। चलिए स्टार्ट हो जाइए, ए बी सी डी आंसर देना स्टार्ट कर दो, है ना। सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। चलो हाँ बताओ। क्वाल ईज, स्क्रपल, मिसगिविंग्स और सेरेनिटी। बताओ बताओ। हाँ वही कर रहा हूँ, पहले बताओगे तब तो आंसर तो दो। रजनीश कुमार साहब वही कह रहे हैं, बहुत अच्छा। जतिन शर्मा जी, चलो आंसर बताओ सभी, आंसर आंसर। हाँ देखो क्या है, क्वाल्म है, देखो ईज, क्वाल्म मतलब होता है किसी चीज पे पछतावा करना। आरती जी कह रही हैं डी होगा, ठीक है देखते हैं, किसी चीज का पछतावा है आप, या कोई गलती करी है आपने, आपको संदेह है, गलत फहमी है, ये हमेशा होती है हम लोगों को, सबको होती है, am I right? मिस गिविंग्स, इसका मतलब भी क्या होता है, गलत फहमी, पछतावा, है ना। स्क्रपल है किसी चीज पे संदेह करना, है ना, और सेरेनिटी है शांति है, हाँ, और स्थिरता है, स्टेबिलिटी है। हाँ जी सिद्दीकी, ईज है यानी आराम है, कोई पछतावा नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्वाल्म है,
एक नेगेटिव वर्ड है, आपको एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे दो नेगेटिव वर्ड आपको ऑलरेडी दिख रहा है, एक तो ये और एक ये, तो सी और बी को हटा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, सेरेनिटी नहीं होगा, शांति वांति नहीं। ठीक है, क्वाल्म को इम्पोर्टेंट कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, सेरेनिटी को इम्पोर्टेंट कर लेना और स्क्रपल को इम्पोर्टेंट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफैक्टर है, पैट्रॉन है, हाँ अब देखो क्या है, बेनिफैक्टर है, पैट्रॉन है, डोनर है, एब्जेक्ट है और राइवल है, आपको क्या चाहिए, एंटोनिम्स। चलिए बताइए क्या वजह, हाँ बेनिफैक्टर राइवल हो जाएगा, चलो ठीक है, बेनिफैक्टर है तो राइवल होगा, बेनिफैक्टर है यानी थोड़ा दान वान करते हो, है ना, बेनिफिशियल नहीं है ये, बेनिफैक्टर है, याद रखिएगा। हाँ आप लोग सभी, डी होगा, बहुत अच्छा नहीं, देखो क्या, बेनिफैक्टर मतलब एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है डोनर, दान देने वाला, है ना, जो दानी है, जो दान करता है। ठीक है, क्या है, दान देने वाला, जैसे आप लोग भी दान करते होगे मंदिर में जाके या अपने अपने जो भी जगह है वहां पे। ठीक है, तो दान देना किसी को, दानी है ना, आप लोग भी दानी हो। ठीक है, हाँ पैट्रॉन एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है आश्रय देने वाला, आश्रय दाता, है ना, जो किसी को घर देता है, छत देता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, एब्जेक्ट इसका मतलब होता है हतोत्साहित करना, है ना, डिस्करेज जिसको बोलते हो, करना डिस्करेजमेंट जिसको बोलते हो ना, है ना, राइवल है, दुश्मन है, शत्रु है, प्रतिद्वंदी है। ठीक है, हाँ तो अब क्या होगा, अब बताइए क्या होगा, आप लोग सभी आंसर दे दो। हाँ देखो क्या है, हाँ बताओ क्या होगा, देखो क्या है, बेनिफैक्टर एक पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड ढूंढना है। एक बात बताइए यहाँ पे, आप सभी एक बात बताओ, पॉजिटिव वर्ड है, दान दे रहे हो आप, कुछ अच्छा काम कर रहे हो, नेगेटिव वर्ड चाहिए, चैरिटी कर रहे हो आप, पॉजिटिव वर्ड ये है, पॉजिटिव वर्ड, अब सुनना यहां पे देखो, ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड, तो दान देने वाला तो हतोत्साहित करने वाला तो नहीं होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो होगा क्या, राइवल, है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, राइवल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, पक्का, हाँ अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर आपको करने हैं ना, बेनिफैक्टर तो चलो, पैट्रॉन है ना, पैट्रॉन इंपॉर्टेंट वर्ड है, एब्जेक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आज डोनर आपको पता है, राइवल आपको पता है, कॉमन वर्ड है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी हर्षित उपाध्याय जी, हाँ जी खुशी, खुशी मिश्रा जी आपने सही किया है, ब्लिश, हाँ इस, हाँ स्टैस्टी है ना, फैलिसिटी, माइजरी और बाउंटी, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है, चलिए फाइंड आउट कीजिए। सी होगा सर, माइजरी, ब्लिश है, खुशी है ना, आप खुश हो, आप बहुत, आप क्या हो, बहुत खुश हो, हाँ अमन साहब, चलो सभी आंसर दो, सी होगा, आइए आइए सर,
एंड डाइस आई सी होगा सर। ब्लिस, ब्लिश है यानी हर्ष है, खुशी है ना, ब्लिस है। हाँ जी दानिश साहब आ जाइए, बिल्कुल रेगुलर क्लास लगेगी, टेंशन ना लीजिए। हाँ 12 बजे, 12 से 1 डेली क्लास लगेगी ना, ए होगा। चलो ठीक है। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना ना। एंटोनिम्स है ये, खुशी है, हर्ष है, उत्साह है ना। तो ये तो सिनोनिम्स हो गया ना निगार, उत्साह। हाँ ये सिनोनिम्स हो गया। फेलिसिटी मतलब होता है आनंद, परम सुख जिसको बोलते हो ना उसको बोलते हैं। बाउंटी है, बाउंटी, बाउंटी मतलब क्या होता है नाम, क्या हो जाएगा, माइजरी हो जाएगा, दुख है ना। यानी बोलने का मतलब क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, आपको नेगेटिव वर्ड चाहिए ठीक है। पॉजिटिव वर्ड है, सिनोनिम्स भी है ये, और ये भी सिनोनिम्स है, और ये भी पॉजिटिव वर्ड है। तो एक इकलौता आपको यहां पे नेगेटिव वर्ड नहीं दिख रहा, देखो इकलौता है। अब देखो, अब इसको इंपॉर्टेंट करो, ब्लिस अच्छा वर्ड है, चैस्टी अच्छा वर्ड है, फेलिसिटी अच्छा वर्ड है, बाउंटी आपको पता है ठीक है, माइजरी आपको पता है, कंजूस भी होता है इसमें, दुखी है, कंजूस है। हाँ जी समझ में आ रहा है सभी को पक्का अच्छे से। अब जो क्वेश्चन आ रहा है, जो 2008 में आया था एसएससी में, क्या मुफ्ले आ गया, हाइड रिवील दिस विश और प्रिटेंड, एसएससी 2008 का क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफिसर का। माइजरली कष्ट है, कष्ट, माइजरी कष्ट है, दुख है। हाँ माइजरली बता दिया हमने, कष्ट है, कष्ट है, दुख है। जी सर, जी सर, ये है ना, कंजूस वंजूस नहीं, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है। हाँ कैमोफ्लेज है, रिवील, हाइड, डिस्गाइज और प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, किसी चीज को प्रिटेंड कर रहे हो कि हाँ मेरे को बहुत दिक्कत है मेरी लाइफ में। बताओ क्या होगा, रिवील कर दो ठीक है। कैमुफ्लेज एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज को क्या बोलना है, छिपाना, डैजल करना, जिसको आप बोलते हैं डैजल। एंटोनिम्स आपको फाइंड आउट करना है, किसी चीज को छिपाना, हाइड करना है ना। हाँ छलावरण भी कहते हैं, छल करना, भेष बदलना है ना, स्वांग रचना, कैमोफ्ले। हाँ प्रिटेंड मतलब होता है किसी चीज का दिखावा करना, शो ऑफ करना। रिवील मतलब क्या होता है, सामने लाना ठीक है। हाइड मतलब क्या होता है, किसी चीज को छिपाना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये और ये सिनोनिम्स हो जाएगा, छिपाना, वेश वेश बदलना ठीक है। रिवील है, प्रिटेंड दिखावा करना एक नेगेटिव वर्ड है ठीक है। अपने को पॉजिटिव वर्ड रिवील है, किसी चीज को रिवील करना, आप किसी चीज की सच्चाई को सामने लेके आ रहे हो, समझ रहे हो, समझो चीजों को। हाँ किसी चीज की सच्चाई को आप सामने लेके आ रहे हो, रिवील कर रहे हो। जी अब देखो, कैमोफ्लेज एक अच्छा वर्ड है सर, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। हाँ डिस्क्लोज करना, क्या बात है, ये वाला वर्ड बहुत अच्छा है, डिस्क्लोज करना। रिवील पता है आपको, प्रिटेंड आपको पता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव है ना, कंप्लीट है, कन्फाइंड है, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है ना, पार्सिकल है और इंपरेटिव है, सभी आंसर करो। हाँ
सभी आंसर कीजिए, क्या होगा? बी होगा कन्फाइंड, कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ कॉम्प्रिहेंसिव। अच्छा आपको है ना, अभी क्लास के बाद आपके ग्रुप में एक लिंक शेयर करूंगा, उससे ऐड हो जाना, ठीक है ना? हाँ टेलीग्राम पे भी करूंगा। हाँ जी अनु जी, और वो जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है उस पर भी करूंगा, ठीक है? सारे ग्रुप पे कर दूंगा, जितने भी ग्रुप है अपने सब पे कर दूंगा, ठीक है? पुराने ग्रुप्स हैं जो भी, उस पर भी कर दूंगा। तो ऐड हो जाइएगा और आप डाउट ले लूँगा आपके ना। हाँ ठीक है, देखो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है यानी क्या है, विस्तृत है ना, विस्तार है किसी चीज़ का। कंप्लीट है यानी किसी चीज़ को पूरा करना, कंप्लीट करना, पूरा करना, ठीक है? फार्सिकल मतलब यानी मजाक वजाक बनाना, मजाक बनाना है ना, या मजाक करना है ना, जो हंसी मजाक करते रहता है। हाँ जी ज्योति वर्मन। कन्फाइंड मतलब क्या होता है, सीमित है, लिमिटेड है। हाँ और इम्परेटिव है, कोई बात नहीं, मैं आपको वो भेज दूंगा इशिता, आई विल सेंड यू द लिंक, है ना, लिंक भेज दूंगा, लिंक से ऐड हो जाना। इम्परेटिव है यानी नेसेसरी है, अनिवार्य है। ठीक है, देखो पॉजिटिव वर्ड है, कितने एक्सक्यूजेज हैं आप लोगों के पास, माय गॉड, फोन चार्ज नहीं है, ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो। अरे मजाक, अच्छी बात है, मजाक करते रहो। तो क्या हो जाएगा, लिमिटेड है, कन्फाइंड है ना, और ये नेसेसरी है, इम्परेटिव है, जरूरी है। हाँ तो थोड़ा सा, कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फार्सिकल एक अच्छा वर्ड है, कन्फाइंड एक अच्छा वर्ड है, ठीक है, कन्फाइंड करना सीमित, और इम्परेटिव एक अच्छा वर्ड है, ठीक है? हाँ जी सर, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्गेंट है, पोटेंट है, कंक्लूसिव है, वीक है, और क्या है, इंट्रिकेट है। एंटोनिम्स फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करोगे, एंटोनिम। हाँ कॉन्गेंट है, चलिए बताइए। हाँ, प्राची समझ गया बेटा, बहुत अच्छा। अच्छा नए लोग ऊपर वाले लिंक से ऐड हो जाना, वहाँ पे लिंक ऑलरेडी है। कॉन्गेंट है, कॉन्गेंट बताइए, सभी लोग बताइए आंसर। सी होगा, पोटेंट, वीक, कंक्लूसिव। रुको, अभी 2-3 दिन का गैप हो गया ना, थोड़ा सा एनर्जी यानी आप लोगों की लो हो गई, थोड़ी जोश आपका हाई करना पड़ेगा ना। हाँ बदमाश हो गया आप। हाँ सही में बदमाशियाँ करने लगे। चलो देखो क्या है, कॉन्गेंट है, कॉन्गेंट, कॉन्गेंट मतलब क्या होता है, मजबूत। है ना, मजबूत है या कठोर है, ठीक है? पोटेंट मतलब होता है क्या, प्रबल, है ना। हाँ कंक्लूसिव है, निर्णायक है, हाँ निर्यात्मक है, सॉरी कंक्लूसिव है, रिजल्ट जो बोलते हैं जिसको, वीक हो जाएगा। अच्छा इंट्रिकेट मतलब क्या होता है। हाँ जी ज्योति जी, हाँ अर्पित बताओ, एंड इंट्रिकेट मतलब क्या होता है। कॉन्गेंट को इम्पोर्टेंट कर लेना, पोटेंट इम्पोर्टेंट है, कंक्लूसिव है, कंक्लूजन से आया है ये वर्ड, है ना, कंक्लूजन से ये वर्ड आया है, कंक्लूजन से ये वर्ड आया है। वीक मतलब कमजोर होता है, कंक्लूसिव एक अच्छा वर्ड। बजट चल रही है, ब्रेथ है, ब्रेथ, शॉर्टनेस, नैरोनेस, लाइटनेस और थिकनेस, एंटोनिम्स फाइंड आउट करो। हाँ वी ऑल आर मीटिंग एट 1 PM शार्प, ठीक है, शार्प 1 PM हम लोग मिलेंगे, है ना, ओपन हाउस में मिलने वाले हैं। आई विल शेयर यू द लिंक, डोंट वरी, है ना, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा,
आप ऊपर टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ऐड हो जाना, आपको जो भी डाउट है आप वहाँ से मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास 15 से 20 मिनट होगा, उसमें आपकी सभी लोगों के डाउट्स ले लिया जाएगा, ठीक है ना। आप मेरे पे कॉल पे लाइन पे रहोगे, आपसे डायरेक्ट बात हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। हाँ आप भी बहुत अच्छा। निगार, निगार ने आज जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया है। ब्रेथ है ना, लेंथ, वेथ पढ़ते नहीं थे, लेंथ इनटू ब्रेथ पढ़ते थे जी। तो ब्रेथ है, हाँ, जिन्होंने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया कर लेना, ठीक है। ब्रेथ है यानी क्या है, चौड़ाई है, तो क्या हो जाएगा, संकीर्णता हो जाएगा। एक गली है, मान लो एक गली क्या है, बहुत ज्यादा चौड़ी है, आपके मोहल्ले में कोई गली होगी वो चौड़ाई चौड़ी होगी, और एक गली है बहुत पतली है, थिकनेस है यानी मोटाई है। हाँ जी सर, शॉर्टनेस है, छोटा है, कम है, हाँ शॉर्टनेस है। तकलीफ, जिसको भी तकलीफ भी कह सकते हो, छोटा है। लाइटनेस, चमक है। अच्छा पैरामीटर, अच्छा तो क्या हो जाएगा, निगार बी होगा बेटा, बी है ना, कोई बात नहीं। लेकिन आंसर तो किया कम से कम, जो भी किया खुद से किया, दूसरों को देख के तो नहीं किया। तो ब्रेथ आपको पता है, शॉर्टनेस है, छोटा भी हो जाएगा, संकीर्ण, नैरोनेस, बहुत अच्छा वर्ड है, लाइटनेस चमक है, थिकनेस मोटाई। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है, इसमें कुछ थोड़ा फिजिक्स वाले भी टर्म्स है, तो ये आपने पढ़ा होगा। कॉन्ट्ररी है, एडवर्स है, फेवरेबल है, एंटागोनिस्टिक है और सर्टेन है। चलो चलो, एंटोनिम्स फाइंड आउट करो। कॉन्ट्ररी है, एडवर्स है, फेवरेबल है, एंटागोनिस्टिक है और सर्टेन है। अनुज सिन्हा जी, हो गया, कितने क्लास में जाके ऐसे कॉपी पेस्ट मारा है, कितने क्लास, ब्लॉक करूं या कितने क्लास में कॉपी पेस्ट मारा है। क्या मिलता है ये सब करने से, अनुज सिन्हा जी चलो पढ़ाई वढ़ाई कर लो। हाँ बताओ क्या हो जाएगा। कॉन्ट्ररी है, कॉन्ट्ररी मतलब होता है किसी का विरोध करना, विरोध करना, किसी के विरोध में, ठीक है। अब देखो क्या है, एंटागोनिस्टिक है, एंटागोनिस्टिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है विरोधी, ठीक है। एडवर्स मतलब क्या होता है, विपरीत, ठीक है। हाँ, और सर्टेन मतलब होता है प्राय, और फेवरेबल है यानी अनुकूल है, ठीक है। तो विरोध करना एक नेगेटिव वर्ड है, आपको एक पॉजिटिव वर्ड की दरकार है, ठीक है। ये देखो नेगेटिव वर्ड है, ये देखो नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। सर्टेन है, प्राय हमेशा होते रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा जी। आरती जी बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये दोनों हटा दो, ठीक है। हाँ तो एंटागोनिस्टिक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। सर्टेन, देखो भाई पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है चुपचाप। देखो मैं आपको अपने साइड से अगर ब्लॉक करूँगा तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अनुज साहब, सिन्हा साहब पढ़ लीजिए, आप जब यहाँ पे बोल रहे हो ना तो आप अपने घर को रिप्रेजेंट करते हो ना, तो अपने घर वालों का भी सोचो और पढ़ाई वढ़ाई कर लो, नौकरी वोकरी कर लो, ठीक है। हाँ चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंटेंटियस है ना, पगनेशियस है, पैचुलेंट है, ऑबलाइजिंग है और सस्टेंड है। चलो बेटा पढ़ाई वढ़ाई करो, ये सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलता ना। आप हर क्लास में जाके स्लेज करोगे, क्या मिलेगा उससे, है ना। चलो पढ़ाई वढ़ाई कर लो। चलो अब छोड़ो, बोलने दो, हमने अपने साइड से ब्लॉक कर दिया। बताओ आंसर आप लोग, अब आंसर बताओ आप लोग सभी लोग। एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है ना, कंटेंटियस है, कंटेंशन, कंटेंटियस, कुछ ऐसा, कंटेंशन, कंटेंटियस, कुछ रिलेट कर पाओगे, करो। पैचुलेंट है, सस्टेंड है, ऑबलाइजिंग है, सी होगा। पंगनेशियस मैंने आपको पढ़ाया था, राइट। पंगनेशियस मैंने पढ़ाया था, यानी मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। पैचुलेंट मतलब होता है थोड़ा सा इरिटेट होने वाला, चिड़चिड़ा जो होता है, जैसे अनुज साहब है, वो क्या है, चिड़चिड़े हो गए। नहीं मैंने अपने साइड से कर दिया, आप लोग अपने साइड से करना है तो कर लो, क्योंकि मैं फालतू के कमेंट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ ना। तो नहीं निगार, पैचुलेंट है, पैचुलेंट मतलब होता है ढीठ, है ना, ढीठ है, चिड़चिड़ा है, हाँ चिड़चिड़ा है, ढीठ है, ठीक है। हाँ सस्टेन है, सस्टेन मतलब होता है निरंतर, बार बार। देखो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कंटेंशन का एग्जाम्पल दिया था, बोन ऑफ कंटेंशन एक वर्ड था ना, झगड़े की वजह, तो विवादास्पद है, लड़ाई है, झगड़ा है, क्या okay? विवादास्पद, विवादित है, जिसको बोलते हो आप, विवादित है, समझो समझो समझो। हाँ पंगनेशियस मतलब क्या होता है, झगड़ालू, है ना। आप देखो अपने आसपास कोई बच्चा होगा या कोई आपके फ्रेंड होंगे, उसको कुछ भी बोला वो चिढ़ जाता है, तो वो क्या है, पंगनेशियस है, झगड़ालू है, पैचुलेंट है, चिड़चिड़ा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑबलाइजिंग हो जाएगा, किसी की बात को मानना, किसी की रिस्पेक्ट करना, ऑबलाइज करना, किसी को आदर करना, है ना, या किसी की बात को मानना, ठीक है। अब देखो ये कंटेंशन, कंटेंटियस आया एक वर्ड, नेगेटिव वर्ड है, आपको पॉजिटिव वर्ड चाहिए। देखो ये पॉजिटिव, समझो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो इन वर्ड्स को हटा दो, नेगेटिव है तो, और सस्टेंड होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑबलाइजिंग हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड भी कर लेना थोड़ा सा, आपके लिए भी अच्छा है, कंटेंटियस अच्छा वर्ड है ना, पंगनेशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पैट्यूलेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ऑबलाइजिंग और सस्टेंड, चलो सस्टेंड भी कर लो, ठीक है, समझ में आ रहा है, थम्स अप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंसोल करना किसी चीज को, अश्यूज, कॉन्ट्रैक्ट, एब्सॉल्व और इरिटेट, एंटोनिम्स फाइंड आउट कीजिए जी, फाइंड आउट कीजिए एंटोनिम्स, सभी लोग एंटोनिम्स फाइंड आउट करो। हाँ सेशन को लाइक शेयर कर देना। अच्छा ये वाली पीडीएफ है ना, बहुत लोगों को नहीं मिली है, तो ये वाली पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अभी नहीं, 2 बजे तक मैं आपको डाल दूंगा, ऊपर जो लिंक दी हुई है उससे ऐड हो जाना, ताकि आप टेलीग्राम में ऐड रहो, ठीक है। हाँ और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, और जो ओपन हाउस है, ओपन हाउस की लिंक भी मैं टेलीग्राम में डालने वाला हूँ, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम, कैसे आपको अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। किसी को भी मैं रैंडमली वहाँ पर ले लूँगा लाइन पर, ठीक है ना, फ़ोन पर, आपकी क्या भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो कंसोल करना, किसी चीज़ को आप कंसोल करते हो, क्या करते हो, कंसोल करते हो, ठीक है। हाँ कंसोल करते हो यानी क्या होता है, किसी को सांत्वना देते हो, है ना, किसी को क्या देते हो, सांत्वना देते हो कि भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, लेकिन वो क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। कंसोल करना किसी को सांत्वना देना, ठीक है, यानी सांत्वना दे रहे हो, एक अच्छी बात,
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह डाल देंगे, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अब देखो एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब होता है किसी को अनुबंध करना। अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप मेरे साथ ही रहोगे, ठीक है, तो ये अनुबंध है। ठीक है, एब्जॉल्व मतलब होता है एग्जोनरेट करना, यानी दोष मुक्त होना। यानी जैसे आप बोलते हो ना गंगा जी में नहा लो तो सारे दुख पाप भूल जाते हैं, वैसा। या बरी होना है ना। अश्योज मतलब क्या होता है, किसी चीज को शांत करना, काम जाओ शांत करना। यानी ये एक तरह से क्या है, सिरोनिम्स है ना सर। यानी आप बताओ, आप सभी देखो, ये नेगेटिव वर्ड चाहिए। इरिटेट है, चिड़चिड़ा है ना, चिड़चिड़ा हो रहा है। एब्जॉल्व है, बरी हो रहे हो, अच्छी बात है। कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अब कैसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो आपसे डिपेंड कर रहा है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। ये किसी को शांत कर रहे हो, सांत्वना दे रहे हो, तो ये सिनोनिम्स है, तो ये भी नहीं हो, तो होगा क्या, इरिटेट हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को, बोलो सबको क्लियर है सर। ऑबल क्या, ऑबल, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आकाश जी। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड करने की बात है, कंसोल को इम्पोर्टेंट कर लो, एस यूज को, हाँ एस यू एस को इम्पोर्टेंट कर लो। एब्जॉल्व बहुत अच्छा वर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट और इरिटेट इजी वर्ड है, ठीक है, निगेटिव वर्ड है ना, इरिटेट निगेटिव वर्ड, अपने को निगेटिव वर्ड ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी को, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इगोनी, प्लीजर है, लाफ है, ब्लिस है, और क्या है, स्टास्टी है। एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टैक्स असिस्टेंट का क्वेश्चन है, 2005 एसएससी सीजीएल, एसएससी है ना, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए बताइए। हाँ, कई दिनों से नहीं चली थी आशना, लेकिन अब हमेशा चलेगी, माफ कीजिएगा ना। हाँ, मैं आपको हमेशा देखूंगा। आप अन अकेडमी पे क्यों नहीं क्लास लेते हो, अन अकेडमी पे तो डेली क्लास हुई है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे 9 बजे डेली क्लास हो ही रही है। हाँ, लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, फ्री की क्लास है। बैंक सेक्शन में जाना, वहाँ पे 9 बजे डेली क्लास लग रही है मेरी, उसको भी ले लिया करो। हाँ, इनकेस आपको याद नहीं दिखती है क्लास, बाकी ग्रुप में मैं अपडेट कर देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में तो मैंने सब कुछ अपडेट कर रखा है बच्चे। हाँ, इगोनी है, बहुत अच्छा वर्ड है, इगोनी है, बहुत अच्छा है, किसी को पीड़ा देना, यातना देना बहुत ईजी है। ठीक है, तो लाफ्टर कैसे हो सकता है, आप खुद बताओ, सभी बी लगा रहे हो, बहुत अच्छा, निगार, निगार ने सही आंसर दिया। आकाश जी, बी नहीं होगा, डू एंड डाई साहब, प्लीजर, तो उस हिसाब से ब्लिस भी हो जाना चाहिए। नहीं, एगोनी है, बहुत ज्यादा यातना दे रहे हो, एप्लीकेशन में क्या लिखा है, ओबीडियंट लिखते हो आप उसमें, हाँ बताओ, सभी लोग बताओ, आप सभी लोग, आरती जी आप भी बताएं, जितने भी नए लोग आए हैं सभी बताओ, अच्छा लगेगा। हाँ बताओ क्या होगा, इगानी है, इसका मतलब होता है किसी को यातना देना, पीड़ा देना बहुत, हाँ यातना या पीड़ा देना, किसी को आप परेशान करते हो। देखो, प्लीजर और ब्लेस नहीं होगा, लाफ्टर नहीं होगा, जिन्होंने बी लगाया। हाँ जी निशा जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आप तब से यहीं थे तो आप पूछ सकते थे। हाँ प्लीज, ये भी है, इसका मतलब खुशी, अब बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा आनंदित है, तो क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से स्टेस्टी होगा। ठीक है, ए नहीं होगा सर, स्टेस्टी होगा, नेगेटिव वर्ड है, आपको पॉजिटिव चाहिए, मैं मानता हूं, यहां सारे वर्ड पॉजिटिव है सर। आप किसी को दुखी करते हो ना, तो दुख है तो सुख हो सकता है, तो प्लीजर और ब्लिस है, लेकिन आपको है ना यातना दी जा रही है, पीड़ा दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा यानी दुख है, तो बहुत ज्यादा खुशी भी तो होनी चाहिए ना, समझ रहे हो, समझ में आया आरती जी, क्लियर है। चलिए, इगोनी को इंपॉर्टेंट करना, अच्छा वर्ड है, ब्लिस आपको पता है, हाँ स्टैटिस्टिक को इम्पोर्टेंट करना, नहीं इसके अकॉर्डिंग, हाँ एसएससी ने इसको कंसीडर किया है आंसर, एसएससी ने इसको आंसर कंसीडर किया है।
जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेरोसिटी है, ब्रुटैलिटी है, ह्यूमिलिटी है, फिडेलिटी है और फ्रेल्टी है। एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है सर, कर लो बहुत फायदा होगा। जी अमन जी आंसर बताइए, अगर आपने इस होमवर्क किया होगा तो शायद आंसर कर दोगे, अब पता लगेगा किसने किसने होमवर्क किया है। बी सी, बी और सी, फेरोसिटी है। फेरोसिटी इजी वर्ड है मेरे ख्याल से तो। सी होगा सर, क्योंकि तो फेरोसिटी एक बहुत अच्छा वर्ड है, फेरोसिटी बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है क्रूरता, है ना, असभ्यता। ये होगा सर ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी तो एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रूरता। हाँ जी सीताराम जी, ठीक है। ह्यूमिलिटी विनम्रता, अभी पढ़ा है। फ्रेलिटी मतलब होता है किसी चीज को दोष देना, दोष। जी सर। तो फिडेलिटी मतलब क्या होता है, निष्ठा। हाँ आंसर बताइए अर्पित साहब, आंसर बताइए ना, तो क्या हो जाए। आप बहुत सारे लोगों ने सी बोला है। अरे हेलो तुला काय पाई जाए, ऑल गुड शुभम। पॉजिटिव नहीं है ये वर्ड, ये नेगेटिव वर्ड है। असलास आए तुम्हें ऐसा ही कुछ बोलते हैं, तो नेगेटिव वर्ड है। फिडेलिटी एक पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है और ये नेगेटिव है, तो ये दो नेगेटिव वर्ड को आप हटा नहीं सकते हो क्योंकि अपने को पॉजिटिव वर्ड चाहिए। तो फिडेलिटी नहीं हुआ, आप क्रूर हैं, आप असभ्य हैं, तो क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है, सभ्यता है, सभ्य है, जो समझो। इस बार का बजट आपको अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो फिर अच्छी बात। अच्छा क्या लेने वाले थे आप, मोबाइल फोन्स। ब्रूटैलिटी इम्पॉर्टेंट है, फिडेलिटी इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमिलिटी इम्पॉर्टेंट है, फ्रेल इम्पॉर्टेंट है, दोष क्रूरता, ब्रूटैलिटी, पैरोसिटी। चलिए बहुत अच्छा। फैली, हाँ फैलिशियस, अनफॉर्चुनेट, एप्ट, ऑस्पिशियस और फैकेंट। फैकेंट वर्ड आया है एग्जाम। एंटोनिम्स फाइंड आउट कर। कोई बात नहीं, गलत हो गया सर, गलती से ही सीखोगे ना। हाँ जल्दी आंसर बताओ, सभी लोग आंसर जल्दी बताएं। सेशन को लाइक शेयर भी कर देना। सी होगा सर, बहुत अच्छा। ऑस्पिशियस, जो अच्छा। बी होगा सर एप्ट। एप्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज योग्य। फैकेंट, निशा जी देखो क्या है, सुन। अब देखो सुनो, बहुत अच्छा आपने वो बोलते हैं ना ऑस्पिशियस, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ओ भाई, है ना। फैलिशियस मतलब, हाँ फैलिशियस मतलब होता है आनंदप्रद या धन्य, जिसको बोलते हैं ना धन्य हो गए आप, किसी को पाके धन्य हो गए, आनंदप्रद। जब पॉजिटिव वर्ड है नेगेटिव वर्ड चाहिए हो। ऑस्पिशियस यानी शुभ है, शुभ। फैकेंट मतलब होता है उपजाऊ। एप्ट मतलब होता है योग्य, स्किलफुल। हाँ अब बताओ क्या होगा, बताओ।
हाँ जी दीपा, दीपा जी ऑस्पिशियस हो, यानी आप लोगों में एक प्रॉब्लम क्या पता है, एक बच्चा बोलता है ए सारे बोलते हो ए, एक बच्चे ने बोला सी सारे बोलते हो सी। मेरे को पता है ये जो आपकी जो ये ब्रदरहुड है ना, ये अच्छी बात है, रखनी चाहिए। हाँ यूनानिमिटी होनी चाहिए, नेगेटिव वर्ड चाहिए, एप्ट है, पॉजिटिव वर्ड है, वैकेंट पॉजिटिव वर्ड है, फर्टाइल है, ठीक है। हाँ ऑस्पिशियस है, द कोई ऑन द क्या है द ओकेजन ऑफ ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन है ना, ये नेगेटिव वर्ड है सर। नेगेटिव वर्ड ही तो उठाओगे ना, हाँ पॉजिटिव वर्ड थोड़ी उठा लोगे। हाँ सौरभ साहब, अच्छा आपने पहले, अच्छा आप ही थे जो जिन्होंने सबका, आपके साथ सब है, बहुत अच्छा लीडर क्वालिटी है आप में। ऑस्पिशियस है, एप्ट है, सेकंड है, इन सब वर्ड को इम्पोर्टेंट कर लेना। नहीं, आप में लीडर क्वालिटी है, आपने बोला ये तो सारे बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ जी शशि कुमार साहब, अनफॉर्चुनेट होगा ना। प्यूट्रिड है, फ्रेश है, आउटकम है, फ्रीज है और रिजिड है, एंटोनिम्स फाइंड आउट कीजिए सर, थोड़ा जल्दी कीजिएगा ना। हाँ मैं ही बता देता हूँ, सड़ा हुआ होता है ना, सड़ा हुआ उसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा फ्रेश हो जाएगा। फ्रीज है, जमा हुआ है, रिजिड है, कठोर है, आउटकम है यानी रिजल्ट है, परिणाम है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्यूट्रिड को इम्पोर्टेंट कीजिएगा। सॉलिट्यूड है, आइसोलेशन है, फेलोशिप है, मिर्थ है और मल्टीट्यूड है, क्या हो जाएगा एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। सॉलिट्यूड है यानी क्या है, सॉलिटरी है, अकेलापन है, अलोन है आप, अकेलापन है ना। आइसोलेशन है सबसे अलगाव है, सिनोनिम सही है, सिनोनिम सही है। हाँ फेलोशिप है यानी क्या है, मित्रता है, मित्रता है, फेलोशिप, तो क्या हो जाएगा मल्टीट्यूड हो जाएगा ना, भीड़। सड़ा हुआ, प्यूट्रिड का मतलब होता है सड़ा हुआ डियर। अब यहाँ पे मिर्थ है, मिर्थ मतलब होता है खुशी, आनंद, ठीक है इंपॉर्टेंट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्नोबिस हॉटी सॉम्बर पोलाइट और इंट्रोवर्ट, आपको एंटोनिम्स फाइंड आउट करना। हाँ आप लोग लेट हो गए बेटा, 9 12 से 1 क्लास होती है ना, थोड़ा 12 बजे आइए, आइएगा जरूर। स्नोबिश है, ठीक है, स्नोबिश मतलब क्या होता है जी, असभ्य, जो असभ्य होता है, असभ्य जैसा होता है ना। हॉटी है यानी घमंडी है, ठीक है ना, तो पोलाइट हो जाएगा विनम्र है ना। सॉम्बर मतलब क्या होता है, निराशजनक, ठीक है निराशाजनक। और इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है यानी क्या है, अंतर्मुखी है ना, अंतर्मुखी है यानी सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है ना। सेल्फिश है थोड़ा, है ना, किसी से ज्यादा बात नहीं करते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, नोबिश अच्छा वर्ड है, असभ्य है, हॉटी एक अच्छा वर्ड है, पोलाइट आपको पता है, सॉम्बर कर लेना और इंट्रोवर्ट कर लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड। अच्छा सुनो, अगर जो नए लोग हैं ऊपर वाले लिंक से ज्वाइन हो जाना, अपनी 12 से 1 डेली क्लास लगती है, ठीक है, और रात के 9 से 10 अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे लगती है। और अगर आप अनअकैडमी पर नए हैं, लर्निंग ऐप डाउनलोड किया कर लो, ठीक है। और अभी पेड सब्सक्रिप्शन पे आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, तो ज़रूर यानी यूज़ कीजिएगा। और ये ऐप डाउनलोड करो, यहाँ पे डाउट सर्च करो, रिपोर्ट और विन करने का बहुत अच्छा मौका है। अगर आपको कोई भी कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वो रिपोर्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे कुछ प्राइज़ मिलेगी, ठीक है। और कोड है SAM10 है ना, अभी अनअकैडमी पे 20% का फ्लैट ऑफ चल रहा है, तो यूज़ दिस कोड SAM10, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। अभी आपको मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, ऊपर दी हुई लिंक से ऐड हो जाना, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। हाँ टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाना, और अभी ओपन हाउस है 1 बजे, तो 1 बजे सभी आ जाना, ठीक है, मैं आपको वहाँ पर लिंक शेयर करूँगा, ठीक है। आप पहली बार आए हैं हिमांशु जी, ऊपर वाले लिंक से ऐड हो जाना, ठीक है। 12 से 1 डेली क्लास होती है, डेली आइए, आपकी आपको वो कैब दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। मेहनत करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ओपन हाउस में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हैव अ नाइस डे, ठीक है।